मर्द नग्न होकर के स्कूल में जाते हैं, कई भाई जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है, ठीक कराने की जिम्मेदारी भी हमने ली है। मित्रों में जो मैं शुरू से देखता हूं, जब पढ़ने जाता था तो कुछ अध्यापक ऐसे थे, साहब मुझे भैरव जी की पूजा करने जाना है, स्कूल से गाय। कोई कैसे बालाजी की पूजा करने जाना है, स्कूल से गाय। कोई कैसे मुझे नमाज पढ़ने जाना है, स्कूल से गाय। तो ये पूजा पाठ करने के लिए थोड़े वेतन दिया जा रहा है। पूजा पाठ करने का एक नियत समय है आपका, सुबह करिए शाम को करिए, करना ही चाहिए। मैं किसी के पूजा पाठ में नमाज पढ़ने में योगदान नहीं डालना चाहता, तो खूब करें। उनके पास टाइम नहीं तो 4 बजे उठ जाए, खूब पूजा करें। शाम को 5 स्कूल समय के बाद खूब पूजा करें, रात भर दिन भर पूजा पाठ करें और फिर वो नमाज पढ़े। मैंने एक आदेश जारी किया है, स्कूल समय में कोई भी बालाजी भैरव जी की पूजा या नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ेगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उनके पूजा पाठ करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर तो वेतन नहीं देते, हम तो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर वेतन देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पे नाम पर देते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी मिले। मैंने एक दिन सोचा कि छोटा था, जब सोचता था कि संस्कार कहां मिलते हैं, कोई दुकान पे मिलते हैं तो किलो दे, 2 किलो ले आई भाई। पर मुझे पता चला कि दुकान पे तो नहीं मिलते संस्कार, तो कहां मिलते हैं। तो संस्कार मिलते हैं मां बाप से, संस्कार मिलते हैं गुरुजनों से। घर में जैसे मां बाप को देखता है वैसा ही बच्चा करता है, स्कूल में जब शिक्षकों को देखता है तो वैसा ही बच्चा व्यवहार है। इसलिए मां बाप को और शिक्षकों को सावधान रहना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सुन जो बोल रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनसे भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत बातें सोच रहे हैं, गलत खाना पहन रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, गलत दृष्टि है हमारी, तो बच्चों पर संस्कार नहीं होंगे, कुसंस्कार होंगे। और यदि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो फिर उसको संस्कार मिलेंगे। इसलिए अभिभावक यानी माँ बाप को भी अपने बच्चों के सामने ऐसा करते न करें जिससे बच्चों के मन पर कुप्रभाव पड़े, कुसंस्कार हो। और शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है, केवल किताब पढ़ा देना ही उनका सब कुछ काम नहीं है, वो बिना बोले भी बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो उस प्रकार की शिक्षकों का स्कूल में देखता हूं कि अध्यापक कुछ तो पछाड़ा हो, माँ बाप की माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तू में कर रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे। कुछ अध्यापक, अधिकांश अध्यापक तो हमारे यहां सबसे बेस्ट थे, बहुत अच्छे, कुछ गिने चुने अध्यापक लेट आते, उससे पूछो कितने बजे आए, कोई आते बस ठीक टाइम आया था, 10 बजे आया, ठीक टाइम आया था। जब बच्चा इसको सुनता है तो गुरुजी के बारे में क्या सोच सकती है उसकी, कि झूठ बोलता है। बच्चे क्या सोचते हैं, झूठ बोलने से डांट बच जाती है, झूठ बोलने वाला आदमी प्रसन्न रहता है, ऐसा तो उनको संस्कार ऐसे मिलेंगे। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं, कई बहनों को देखता हूं जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है, तुम्हारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनाव पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं विमल गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
गलत असर पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झूमते झामते स्कूल जाते, बच्चे क्या सोचेंगे? दारू पीना अच्छा रहता है, महाट साहब भी गुरु जी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे को संस्कार मिलते हैं वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिका है उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक करना पाप है, इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना रहेगी सब शिक्षक शिक्षकों से राजस्थान के से कि हम ऐसा सदव्यवहार करें कि हमारे कुछ बिना बोले भी हमसे बच्चे संस्कार ले सके, ऐसा होना चाहिए।